अब सीधे सुनते हैं कि साकेत जो हमारे सहयोगी, उन्होंने जेल से बाहर आने पर लालू प्रसाद यादव से बात की। लालू प्रसाद यादव लंबे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद बिहार आए हैं। उन्होंने यहां पर दो सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। हमारे साथ मौजूद हैं लालू जी। सर, लंबे समय बाद बीमारी से भी जूझ रहे हैं, आप किस तरह, क्या स्वास्थ्य के लिए क्या कहें? ठीक है, स्वास्थ्य में कोई काफ़ी सुधार भी हुआ है, काफ़ी सुधार। एक साथ लगा के ले लीजिए आप लोग, एक साथ तो काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी सुधार के दिशा में दवा हुआ खा रहा। दो दो चुनावी रैलियों में भी आप गए, वहाँ पर संबोधित भी किया, किस तरह का दिखा जनता में? जो पूरा जनता में उत्साह है, अपार समर्थन है आरजेडी के पक्ष में, दोनों सीटों में जीते। सर, ये जो उपचुनाव है कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए भी? और महत्व बाय इलेक्शन जो होता है उसका बहुत महत्व रहता है। ये टेस्ट होता है सरकार का कि कितना पानी में है, जो झूठा बोलता है काम किया काम किया हर जगह। इस बार तो क्या सरकार पे भी इसका असर होगा, अगर चुनाव हारते हैं, हार जाती है जेडीयू तो क्या? सरकार पर असर हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग हरा देंगे इनको, दोनों सीट पर जीत मिले। हाँ, दोनों। चलिए, एक सवाल है कि जो बातें लगातार आ रही है कि आगे एनडीए में आप, महागठबंधन में आप लोग हैं कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलग चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? नेशनल स्तर पर तो हम लोग हैं ही ना भाई, सब जगह कांग्रेस है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। तो बिहार में जिस तरह से महागठबंधन, कोई गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को अगर वहाँ देते हैं हम तो जमानत जब्त होता हम लोग का। इसलिए वो आदमी जो कैंडिडेट जिसका बेटा बना कैंडिडेट, उसको स्थिति ठीक नहीं थी, हम नहीं दिया। वो तो हमारे पार्टी से भी लड़ना चाहता था। कांग्रेस तो कह रही है कि गठबंधन टूट गया है हमारा। और टूट गया तो जो बोलता है अपना संभालते रहे, ये टूट गया तो उसको प्लस टाइम आएगा। कांग्रेस के प्रभारी पर भी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, उसके शब्द का नहीं, बहुत अच्छा है, बकलोर जिसको बोलते हैं, जिस नहीं समझता है। केंद्र में लालू जी के, लालू जी महागठबंधन के साथ जा रही है। हाँ हाँ, केंद्र में आप लोग साथ में हैं? साथ में है ना, केंद्र के साथ में नहीं, ताल में है। बिहार में खाली टूट, बिहार में अपना रहेगा, सब रहेगा साथ है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर भी कई सवाल उठे हैं, कोई झमेला नहीं है, कोई झमेला नहीं। तेज प्रताप यादव को लेकर कई बार परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, दोनों हमारे बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों समझदार हैं, तेजस्वी भी समझदार है, तेज प्रताप भी समझदार है, डेली हमारे संपर्क में है। मतलब कोई सब चीज़ परिवार में सही है, सब एक साथ है। लालू जी जीत होने जा रही है दोनों सीट पर? हाँ, बिल्कुल। तो लालू यादव ने साफ कर दिया है कि जो दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें राजद की जीत होगी, और साथ ही साथ उन्होंने जो परिवार के अंदर जिस तरह से विवाद चल रहा है उस पर भी कहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक है, दोनों बेटे उनके साथ हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ, भारत, पटना। और यहाँ पर वक्त एक